भारत की बात में आगे बढ़ेंगे और वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। कल सुबह 7 बजे जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत के घर रेड करने पहुंची तो हड़कंप मच गया। संजय राउत से ईडी की पूछताछ का सिलसिला हिरासत से होते हुए गिरफ्तारी तक पहुंच गया। हिंदुस्तान के घर घर में सिर्फ एक ही नाम चर्चा में है और वो नाम है संजय राउत। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिए गए। संजय राउत की इस पूरी कहानी में स्वप्ना पाटकर का नाम आ रहा है, वो नाम जो संजय राउत के खिलाफ ईडी में गवाह बन चुकी है। लेकिन कहा यह जाता है कि एक वक्त था जब स्वप्ना पाटकर और संजय राउत साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदा करते थे। तो चलिए भारत की बात में आज आपको दिखाते हैं संजय राउत और स्वप्ना का वो संपूर्ण सच जो उन्हें गिरफ्तारी तक लेकर गया। से 10 जो ईडी के अधिकारी हैं वो इस वक्त संजय राउत से पूछताछ कर रहे हैं। संजय राउत का भाग्य बड़ा। संजय राउत पीछे के गेट से निकलेंगे, आपको एक और दिखाना चाहेंगे। देखिए सारी गाड़ियां निकल रही हैं। संजय राउत की गाड़ी का काफिला ईडी दफ्तर पहुंच चुका और ईडी दफ्तर के बाहर हाथ में भगवा कलर का गमछा जो शिवसेना की पहचान रही है, हिंदुत्व की पहचान रही है, उसको लहराते हुए दिख रहे हो। संजय राउत का आवाज दबाने की कोशिश चल रही है लेकिन संजय राउत शिवसेना नहीं छोड़ेगा। गिरफ्तारियां तो बहुत हुई, ईडी ने रेड भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों तक पर डाली। लेकिन रेड के बाद भी जैसे तेवर और कलेवर संजय राउत ने दिखाए वैसे शायद ही कोई दिखा पाया हो। ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए, लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी। ठेंगे पर दुनिया को रखने वाला एटीट्यूड। ठसक भरा अंदाज। विरोधियों को शब्दबाण से घायल कर देने की अद्भुत ताकत। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विडंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए, लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। ये सब मिलकर जो बनता है उसे संजय राउत के नाम से जाना जाता है। वो संजय राउत जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सिर्फ आंख, कान, नाक नहीं है बल्कि शिवसेना का मुख है। संजय राउत जो कहते हैं और जो ट्विटर पर लिख देते हैं वहीं से पार्टी की लाइन तय हो जाती है। मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। लेकिन जैसे ही रविवार को ईडी ने संजय राउत के घर पर रेड मारी शिवसेना में हड़कंप मच गया। Stop it!
पूछताछ होने से लेकर गिरफ्तारी तक संजय राउत जहां भी जितनी देर के लिए दिखाई दिए पूरे स्वैग में नजर आए। संजय राउत ने स्वैग की चादर इसलिए ओढ़ रखी थी क्योंकि विरोधियों के साथ ही अपने समर्थकों को भी संदेश दे रहा था। 9 घंटे तक संजय राउत के घर में उनसे पूछताछ के बाद ईडी उन्हें उनके भांडुप वाले घर से लेकर निकली तो तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि संजय राउत किसी योद्धा की तरह मैदान मारने जा रहे हैं। और इन सबके बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर थी ये, जब संजय राउत ओपन रूफ वाली कार में सवार हुए और भगवा गमछा लहराते हुए दिखाई दिए। अब सवाल ये है कि अगर हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा था तो किसी हीरो की तरह वो पोज कैसे दे पा रहे थे? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित। बीते 6 सालों में इस ईडी दफ्तर में मैंने देखा है कि 4 महाराष्ट्र के बड़े राजनेता यहां पर लाए गए हैं बतौर आरोपी। पहले छगन भुजबल लाए गए थे 2016 में, उसके बाद में 2020 में अनिल देशमुख, उसके बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई और अब संजय राउत। लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी में मैं एक फर्क देख रहा हूं, वो यह है कि इनके साथ में ईडी अधिकारी काफी नरमी बरत रहे हैं, इनको काफी सारी छूट दी जा रही है। आमतौर पर ईडी भले ही कोई भी राजनेता हो तो उसको इतनी ज्यादा रियायतें नहीं देती है, लेकिन हमने देखा कि जब ये घर से निकले तो उस वक्त भी इनको इनकी अपनी कार में यहां आने का मौका दिया गया। वो वहां पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने वेव किया, कार्यकर्ताओं के साथ में इंटरेक्शन किया। जब वे यहां पर आए, ईडी दफ्तर पर आए, तो यहां पर भी हमने देखा कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें यहां पर मीडिया से बात करने की इजाजत दी। और पूरी शिवसेना इसी कोशिश में है, शिवसेना कार्यकर्ताओं से लेकर उद्धव ठाकरे तक ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत बद्दल मला नक्कीच अभिमान आहे। गुन्हा काय संजयचा? गुन्हा काय? पत्रकार आहे, शिवसैनिक आहे, निर्भीड आहे आणि जे पटत नाही तो बोलतोय। आणि ज्या पद्धतीने त्याला अटक केलेली आहे त्याचं एक वाक्य चांगलं आहे, मरण आलं तरी परवा नाही पण मी शरण जाणार नाही। कितने बार उनका इन्क्वायरी गए, साहब के पीछे लगते हैं क्योंकि साहब ये सबको खुद अंकवे लेते हैं। शिवसेना के जो गद्दार गए वो ईडी को भाग के गए, ईडी के दर के माध्यम से गए। ये सब बीजेपी सरकार की ये कारनामा है, जब से ये लोग सत्ता पे नहीं आए जब इसे पागल जैसे घूम रहे हैं वो लोग, कैसे भी करके उन्हें ये सत्ता चाहिए, महाराष्ट्र सरकार उनके वो बनानी है, इसके लिए ये सब इनका पैतरा चल रहा है। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग राहुल साहब के साथ है और वो घबराने वाले इंसान नहीं है, वो हमारे नेता है। वो पर असली बात यह है कि ईडी हवा में तो कार्रवाई कर नहीं रही है। पत्रा चौल घोटाले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है और संजय राउत की मौजूदा गिरफ्तारी के पीछे एक नाम है जिसकी चर्चा के बिना ये कहानी पूरी नहीं होती। ये नाम है स्वप्ना पाटकर का, स्वप्ना पाटकर जो संजय राउत के खिलाफ ईडी की गवाह बन चुकी है। चालीस साल की स्वप्ना पाटकर जो मराठी फिल्मों की प्रोड्यूसर है, स्वप्ना पाटकर जो खुद को मोटिवेशनल स्पीकर कहती है, खुद को मनोवैज्ञानिक भी कहती है, हालांकि इस पर विवाद है। मोस्ट ऑफ आवर टाइम गोज इनटू लुकिंग इनटू पीपल्स लाइफ, वी आर ऑब्जर्विंग व्हाट पीपल आर वेयरिंग, व्हाट पीपल आर डूइंग, बट वी आर नॉट मच रेडी लुकिंग एट आवरसेल्व्स एंड ऑब्जर्विंग आवर लाइव्स। ब्लू चिक वाले उनके फेसबुक प्रोफाइल पर ऐसे तमाम वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने अपना परिचय लाइफ और स्पिरिचुअल कोच के तौर पर दिया है। लाइक वी हैव डिफरेंट लाइकिंग्स, डिफरेंट स्किन कलर एंड डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग। और अब स्वप्ना पाटकर की देश चर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस पत्राचार घोटाले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है उसमें वो अहम गवाह बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर स्वप्ना पाटकर और संजय राउत की दोस्ती की क्या कहानी है जो दुश्मनी तक जा पहुँची। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर इस बात की मिसाल है कि एक दौर था जब स्वप्ना पाटकर और संजय राउत के बीच सब कुछ ठीक था। स्वप्ना पाटकर संजय राउत के कुनबे का हिस्सा हुआ करती थी।
स्वप्ना पाटकर और संजय राउत की दोस्ती की कहानी आज से 16 साल पहले यानी साल 2006 में शुरू हुई, जब संजय राउत के करीबी दोस्त ने स्वप्ना पाटकर को संजय राउत से शिवसेना के मुखपत्र सामना में मिलाया। दरअसल स्वप्ना पाटकर लिखने की शौकीन थी और उसी सिलसिले में संजय राउत और स्वप्ना पाटकर की मुलाकात हुई थी। संजय राउत ने स्वप्ना को लिखने का मौका दिया और स्वप्ना कॉरपोरेट कल्चर के बारे में सामना अखबार में साप्ताहिक कॉलम लिखने लगी। यही वो दौर था जब स्वप्ना और संजय राउत के रिश्ते मजबूत होना शुरू हुए और इस कदर मजबूत हुए कि उनका पारिवारिक रिश्ता बन गया। स्वप्ना संजय राउत के घर आने जाने लगी, संजय राउत की पत्नी के साथ शॉपिंग होने लगी, यहाँ तक कि संजय राउत के बैंक अकाउंट से लेकर फॉरेन टूर तक मैनेज किए और विदेश यात्रा पर राउत परिवार के साथ गईं। मुंबई के सर्कल में स्वप्ना पाटकर को संजय राउत की तीसरी बेटी कहा जाने लगा, क्योंकि संजय राउत की पहले से दो बेटियां हैं। 2014 में संजय राउत और स्वप्ना ने साथ मिलकर बालकडू नाम की मराठी फिल्म भी बनाई थी। स्वप्ना पाटकर और संजय राउत परिवार के रिश्ते कितने गहरे थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संजय राउत की संपत्ति में भी स्वप्ना पाटकर साझेदार होने लगी थी। संजय राउत की संपत्ति का ब्यौरा देने वाले इन आंकड़ों पर गौर करिए जो राज्यसभा के नामांकन के हलफनामे में उन्होंने दिए थे। हलफनामे के मुताबिक संजय राउत के पास करीब 1,07,000 कैश है, जबकि उनकी पत्नी के पास 47,900 रुपए कैश है। संजय राउत ने बैंक में 1,63,00,000 रुपए जमा कर रखे हैं। उनकी पत्नी वर्षा राउत के पास बैंक में 30,58,000 रुपए हैं। संजय राउत की पत्नी के पास करीब 39,59,000 का सोना और 1,30,000 की चांदी की ज्वेलरी है। लेकिन सबसे रोचक तथ्य है प्लॉट से जुड़ा। संजय राउत के पास करीब 2,20,00,000 की कीमत का प्लॉट है, जबकि वर्षा राउत के नाम अलीबाग के किहिम में 10 प्लॉट हैं, जिसमें स्वप्ना पाटकर हिस्सेदार है। यानी नजदीकी और भरोसा इतना ज्यादा था कि संपत्ति तक में हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। हालांकि स्वप्ना के वकील इस मुद्दे पर कुछ और ही कहते हैं। संजय राउत गलत काम कर रहे थे, वह चाहते थे कि स्वप्ना पाटकर उसमें उनका साथ दे, जो स्वप्ना जी ने पूरी तरह से नहीं कह दिया। और अगर आप इसकी पूरी श्रृंखला देखेंगे तो स्वप्ना राउत जी ने तकरीबन 2014 से लेकर आज तक बहुत सारी कंप्लेंट्स फाइल कर रखी हैं, जिसका बदला उनसे लेने की भी कोशिश की गई। उन पर जानलेवा हमले हुए, उन पर बहुत ही घटिया तरीके के आरोप भी किए गए। बड़ा सवाल यह है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? दोस्ती से दुश्मनी की जो दास्तां है वो भी जान लीजिए। ये शुरू होती है साल 2019 में, लेकिन इसकी नींव जो है पहले ही रखी जा चुकी थी, जब संजय राउत स्वप्ना पाटकर के पति सुजीत पाटकर की साइड लेने लगे थे। स्वप्ना पाटकर की शादी 2004 में सुजीत पाटकर से हुई थी, लेकिन कुछ सालों बाद पति से स्वप्ना की अनबन होने लगी। ये अनबन जब संजय राउत के पास तक पहुंची तो वो कई मुद्दों पर सुजीत के साथ खड़े दिखाई दिए और यहां से स्वप्ना और संजय राउत के बीच खटास बढ़ने लगी। स्वप्ना और उनके पति दोनों तलाक की अर्जी दाखिल कर चुके हैं। लेकिन 2019 के बाद रिश्तों में दरार उस वक्त पड़ी जब लीलावती अस्पताल में फर्जी डिग्री के आधार पर मनोवैज्ञानिक की नौकरी हासिल करने के मामले में स्वप्ना पाटकर को 52 दिन के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अस्पताल को शिकायत मिली थी कि स्वप्ना की डिग्री की जांच कराई जाए। लीलावती अस्पताल ने जांच करवाई और फर्जी डिग्री मामले में बांद्रा में मामला तक दर्ज हुआ। स्वप्ना गिरफ्तार हुई और उनको ये लगा कि ये सब कुछ संजय राउत ने करवाया है, क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। स्वप्ना पाटकर जी काफी सालों से संजय राउत और उनका जो गुट है उनके खिलाफ लड़ाई दे रही हैं, अकेली महिला है। 2016 में संजय राउत जी ने अपने केबिन में उनको बुलाकर उनका हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंट हुई थी। जब से उनकी अनबन ज्यादा शुरू हो गई और तब से ये डिफरेंसेस आना शुरू हो गया था। इसके बाद आया अलीबाग की जमीन का मामला, जिसके बाद ईडी के हाथ संजय राउत तक पहुंच गए। अलीबाग की जमीन में स्वप्ना पाटकर का भी नाम है। दरअसल संजय राउत चाहते थे कि जमीन को जो है वो स्वप्ना पाटकर के पति सुजीत पाटकर के नाम कर दिया जाए। स्वप्ना की बीजेपी से करीबी भी संजय राउत से उनकी दूरी की वजह बनी। और फिर
दोनों के रिश्ते में आखिरी कील उस वक्त ठुकी जब स्वप्ना ने ईडी के सामने अपना एक बयान दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने अलीबाग की जमीन को लेकर बयान दिया कि वो जमीन मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई है। यहां से जांच की आंच संजय राउत के घर तक पहुंच गई। संजय राउत के खिलाफ केवल ईडी में ही गवाह बनी है ऐसा नहीं है, स्वप्ना पाटकर के खिलाफ एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने संजय राउत के खिलाफ मुंबई के वकोला पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये क्लिप काफ़ी पुरानी है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़ मुंबई। संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है और इस दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।